हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आजकल इंग्लिश अपने आप में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। हम आपको आज ये बताने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश को कैसे हम इम्प्रेसिव बनाएं। तो इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाने के तीन मूल मंत्र हैं फ्रेंड्स। पहली चीज तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांसलेशन मजबूत करना चाहिए और आपको ट्रांसलेशन के समय सावधानी ये बरतनी होनी चाहिए कि सबसे पहले वाक्य को आप पहचान लें, इसके बाद वाक्य किस प्रकार का बनने जा रहा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी हो उसी के अनुरूप फार्मूले का प्रयोग करके वाक्य को बना दें। यदि वाक्य किसी टेंस का नहीं है तो उसको आप भाव को निकालें, सेंटिमेंटल मीन्स भावात्मक अनुवाद आप अपने स्तर से बनाएं और उसको बना करके प्रैक्टिस करने का अभ्यास करें। मेरे साथ चैनल से जुड़े होने के नाते मैं आपको स्पोकन टिप्स में बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे अच्छे यूज देने का हमने प्रयास किया है, तो फ्रेंड्स उसको भी आप सब्सक्राइब करके उसके नोटिफिकेशन को देखें कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन को मजबूत बनाया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको ट्रांसलेशन करने आता है तो निश्चित रूप से आप स्पोकन को धीरे धीरे इम्प्रेसिव बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको थोड़ा सा ये भी कहना चाहेंगे कि जब आपको स्पोकन इम्प्रेसिव ढंग से करने की आदत बन जाए तो फ्रेंड्स उसमें संकोच और झिझक नहीं होनी चाहिए। प्रायः होता यूँ है कि आपको जो आता भी है, जो आप जानते हैं इंग्लिश बोलना, तो वह हम बोल नहीं पाते क्योंकि संकोच और झिझक लगती है कि कहीं गलत ना हो जाए, हमारे सामने वाला कहीं हमको बेवकूफ़ न समझ ले। तो फ्रेंड्स आप ये मान के चलिए कि मुझसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है। आपके मन में ये कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि अब सबसे ज़्यादा सर्वज्ञ मैं ही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये आप मन में मान के चलें। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस किए रहें तो निश्चित रूप से आपका अनुवाद कभी भी गड़बड़ नहीं होगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा आपकी स्पोकन निश्चित रूप से फास्ट और स्मार्ट बनेगी। तो पहली चीज़ आपको टेंस कंप्लीट करना है, दूसरी चीज़ बोलने की प्रैक्टिस। आप सामने एक दर्पण रखें, उसको दूसरा व्यक्ति समझ करके उससे आप बातचीत करें। जनरल डेली यूज की जो बोलचाल है उसको आप बोलें, हिंदी पहले सोचें फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप उसको बार बार प्रैक्टिस करके मजबूत करें ताकि अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो और ऐसा करने से आप धीरे धीरे मजबूत बनेंगे। वोकैबुलरी पर विशेष ध्यान दें, आपके शब्दकोश अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर इंग्लिश कैसे आप बोल पाएंगे, इसलिए मीनिंग तैयार करना बहुत मस्ट है। मीनिंग के लिए प्राइमरी से लेकर के अब तक में जो भी आपने मीनिंग आपको मिले, जो मीनिंग आपने पढ़ा है, वे समस्त मीनिंग को आप कलेक्शन कर लीजिए और मीनिंग का उपयोग किस ढंग से करना है, कहाँ करना है, उसकी भी प्रैक्टिस के द्वारा आप मजबूती बनाएं। निश्चित रूप से धीरे धीरे ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम में एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा और देते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।